भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा झंडा फहराना है। खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र के हर घर में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मंगलवार को खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। हर मोटरसाइकिल में तिरंगा लगा था। नीलकंठ सिंह मुंडा ने मुरहू के महादेव मंडा के पास से रैली निकाली, जो मुरहू चौक, दुडरी, कोड़ाकेल, करंजटोली, गुरमी, गानालोया, माहिल, हैसल, दुलुवा होते हुए राजा कुंजला पहुंची। मुरहू से जैसे ही रैली निकली, हर गांव से कार्यकर्ता जुड़ते गए और रैली 1 किमी लंबी हो गई। मोटरसाइकिल रैली को झमाझम बारिश भी नहीं रोक पाई। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भी तेज होते जा रहे थे। पूरा इलाका देशभक्ति के सागर में गोता लगा रहा था। रैली ने एक अलग वातावरण बनाने का काम किया। राजा कुंजला पहुंचने के बाद रैली सभा में तब्दील हो गई, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को बड़े उत्साह के साथ श्रद्धांजलि देते हुए भारत की आज़ादी का 75वां साल मनाने का फैसला लिया है। इसलिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम करने का फैसला लिया और सरकार ने उत्सव का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा। अमृत महोत्सव का अर्थ है भव्य उत्सव का अमृत, जो ब्रिटिश राज से भारत की आज़ादी के 75 साल का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2021 से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत 2021 से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर पूरे देश को आज़ादी के जश्न में डुबो दिया है। विधायक ने कहा कि मन की बात में 31 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री ने भारतीयों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को भारत के ध्वज के साथ बदलने का आग्रह किया है, जिसका अनुसरण देशवासी कर रहे हैं। इधर विधायक कोचे मुंडा ने भी सैकड़ों लोगों के साथ तिरंगा रैली को सफल बनाया। विधायक ने लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। मोटरसाइकिल रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हर घर में तिरंगा फहराने के उद्देश्य से कर्रा में 10 और खूंटी में 11 अगस्त को मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। दोनों स्थानों के कार्यक्रम में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे।